हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका मिचेल ड्रीम इलेवन प्लेइंग इलेवन में। और आपको ज्यादा टाइम नहीं लूंगा, डायरेक्टली वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। तो यहाँ पर बात करेंगे विंडीज वर्सेस श्रीलंका के मैच की। तो सेकंड टेस्ट मैच ये होने वाला है, उसकी हम बात करेंगे। आज मैं टीम आपको नहीं देगा, थोड़ा सा बिजी था और टेलीग्राम के ग्रुप पे मैंने हालांकि स्क्वाड वगैरह अपलोड कर दिया था। अगर आप जुड़े हैं टेलीग्राम के ग्रुप पे तो आपको न्यूज वगैरह सारी मिल गई होगी। और इसके अलावा अगर विंडीज वर्सेस श्रीलंका का मैच आपको खेलना है तो आपको बता दूं ग्रैंड लीग ही खेलेगा, बिकॉज यहाँ पर थोड़े से अनप्रेडिक्टेबल मैच होने वाला है। श्रीलंका की टीम यहाँ पर 3 से 4 चेंजेस करेगी आज के मैच में, बिकॉज यहाँ पर 2 चेंज तो कन्फर्म है। 2 प्लेयर यहाँ पर जा चुके थे, उनकी जगह भी 2 रिप्लेसमेंट आएंगे। इसके अलावा भी टीम यहां पर चाहे तो 1-2 चेंजेस और कर सकती है। तो कुल मिलाकर यहां पर 3-4 चेंजेस आपको देखने को मिलेंगे श्रीलंका की टीम में। बात करें विंडीज की टीम, मुझे लगता नहीं कोई चेंज करेंगे, हालांकि चाहे एक्सपेरिमेंट करना तो एक आध प्लेयर के साथ एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं। तो यहां पर आपके लिए बेस्ट टीम तो विंडीज की होगी, बिकॉज पिछले मैच में अच्छा परफॉर्म किया था, होम सॉइल पर खेल रहे हैं। बात करें श्रीलंका की टीम की, तो अपने कंट्री से बाहर खेल रहे हैं और यहां पर इनका इतना एक्सपीरियंस है नहीं। तो यहां पर पिछले मैच में आपने देखे थे टीम फ्लॉप हो गई थी और बॉलिंग में भी कुछ उतना खास नहीं कर पाए थे। तो यहां पर आपके लिए बेस्ट टीम तो विंडीज होगी पिक करने की। मैक्सिमम प्लेयर आप विंडीज से लीजिएगा। श्रीलंका की टीम की बात करें तो कम से कम 2 से 3 चेंजेस तो आज होने हैं, तो आप देख लेते क्या चेंज हो सकते हैं। तो भाई सबसे पहला चेंज तो यहाँ पर ये हो सकता है, एंजेलो मैथ्यूज जा चुके थे, उनकी जगह एक प्लेयर तो आएगा ही आएगा, तो मेरे से धनंजय डिसिल्वा आ सकते हैं। बहुत शानदार प्लेयर है और वॉच करने के लिए ग्रैंड लीग के लिए आपके लिए बेस्ट प्लेयर बन सकते हैं श्रीलंका की टीम से। बात करें यहाँ पर लहरू गैमेज की, तो यहाँ पर उन्होंने खुद को इंजर्ड कर लिया था पिछले मैच में, तो यहाँ पर उनकी जगह पे असिता फर्नांडो या अकेला धनंजय आएंगे। अगर टीम दोनों को खिलाना चाहती है, असिता फर्नांडो और अकेला धनंजय दोनों को, यहाँ पर इस कंडीशन में दिलरुबान परेरा को बैठना पड़ेगा। हालांकि दिलरुबान परेरा एक अच्छे बॉलिंग ऑलराउंडर है और बैटिंग भी कर लेते हैं, बट यहाँ पर अकेला धनंजय भी बैटिंग कर लेते हैं और बॉलिंग भी लेते, तो यहां पर एक अच्छे कंटेंडर बनते हैं। मेरे हिसाब से अकेले धनंजय को खेलना चाहिए इस मैच को और असिता फर्नांडो को भी खेलना चाहिए। तो ये 2 प्लेयर डायरेक्टली अगर आते हैं तो फिर ऐसी कंडीशन में परेरा को बैठना पड़ सकता है। और इसके अलावा धनंजय डिसिल्वा तो आएंगे एंजेलो मैथ्यूज की जगह पे, और यहां पे रोशन सिल्वा का भी परफॉर्मेंस पिछले मैच में खराब था तो इनकी पोजीशन पे भी खतरा है, और यहां पे कुशाल परेरा का परफॉर्मेंस भी खराब था तो इनकी पोजीशन पे भी खतरा है। तो लगभग आप देख सकते हैं मैक्सिमम से मैक्सिमम भी यहां पर 3 से 4 चेंज हो सकते हैं और मिनिमम तो 2 से 3 होने ही है चेंजेस, जैसे कि आपको पता है 2 प्लेयर जा चुके हैं और इसके अलावा भी चेंजेस होंगे। तो यहां पर कुशाल परेरा की उदयवट्टे आ सकते जो कि ओपन करते हैं टीम के लिए, तो कुशल मेंडिस के साथ ये ओपन करेंगे उदयवट्टे, तो ग्रैंड लीग के आपके लिए बहुत अच्छी चॉइस बन सकते हैं। फिर इसके बाद यहां पर दिनेश चंदीमल आएंगे, फिर धनंजय डिसिल्वा आएंगे जो कि बहुत शानदार बैट्समैन है, फिर रोशन सिल्वा का थोड़ा डाउटफुल है, निरोशन टेकवेला है, दिलरुबान परेरा का भी डाउटफुल है, रंगना हैरथ है, सुरंगा लकमल है, लहिरु कुमारा है, और फिर यहां पर असिता फर्नांडो अकेला धनंजय के बहुत हाई चांस है आज खेलने के। तो ग्रैंड लीग में आप इनको ट्राई कर सकते हैं। बाकी स्मॉल लीग में सेफ प्लेयर अगर आप पूछे तो सेफ प्लेयर में कुशल मेंडिस होंगे, दिनेश चंदीमल होंगे, धनंजय डिसिल्वा होंगे, निरोशन टेकवेला होंगे, रंगना हैरथ, सुरंगा लकमल, लहिरु कुमारा, तो करीब ये 7 प्लेयर हैं जो सेफ है। इसके अलावा जो 4 प्लेयर हैं वो अनसेफ हैं। बात करते हैं यहां पर विंडीज की प्लेइंग 11 की, तो जो पिछले मैच में थी वही रहेगी मेरे हिसाब से, यहां पर कुछ नहीं करने वाले। हालांकि अगर एक्सपेरिमेंट करना चाहें तो किसी एक प्लेयर की जगह किसी और प्लेयर को मौका दे सकते हैं जो डेब्यू वगैरह कराना चाहें, तो ऐसे में एक्सपेरिमेंट कर लेती है टीम एक आध प्लेयर को चेंज करके, तो ये चेंज हो सकता है। बाकी मेरे हिसाब से यहां पर और कुछ होता तो दिखता नहीं है, बस श्रीलंका की टीम में आज होंगे कम से कम 3 से 4 चेंजेस। तो स्मॉल लीग को अवॉइड करिए, ग्रैंड लीग आप खेल सकते हैं। बात करते हैं ड्रीम 11 की टीम की, देख लेते क्या आपके लिए बेस्ट टीम बना सकते हैं आज के मैच की। तो गाइस आपके लिए यहाँ पर पहले से मैंने एक टीम बनाई हुई, सबसे पहले उसको आपको प्रीव्यू दिखा दूँ, आप पॉज करके इसे स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। और अब बात कर लेते हैं यहाँ पर टीम को एडिट करके। बात करते हैं यहाँ पर विकेट कीपिंग सेक्शन में, दोनों ऑप्शन आपके लिए बहुत अच्छे, निरोशन टेकवेला भी, शेन डॉरेज भी। हालांकि शेन डॉरेज का फॉर्म थोड़ा सा अच्छा दिख रहा है और अपने होम ग्राउंड में खेल रहे तो एडवांटेज भी इनको थोड़ा सा रहेगा, तो यहाँ पर आपके लिए बेस्ट ऑप्शन तो शेन डॉरेज होंगे। टीम भी मजबूत है विंडीज की, तो मेरे हिसाब से आपके लिए बेस्ट ऑप्शन यही होने वाले हैं। बात करें बैटिंग सेक्शन में, तो बैटिंग सेक्शन से मैंने यहाँ पर 3 प्लेयर को लिया है, दिनेश चंदीमल, कुशल मेंडिस। पिछले मैच में यहाँ पर अपनी टीम के लिए फाइट कर रहे थे और इनके अलावा और कोई उतना अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाया था, और आपको पता है एक्सपीरियंस प्लेयर भी है, तो यहाँ पर आपके लिए वॉच करने के लिए ये 2 प्लेयर तो होंगे श्रीलंका से, इनको आप मिस मत करिएगा। अगर आप इनको मिस करते हैं तो इनकी जगह पर फिर आप ऑलराउंडर सेक्शन से धनंजय डिसिल्वा को ले सकते हैं, जो कि बैटिंग और बॉलिंग दोनों में ही कॉन्ट्रीब्यूट करते हैं, आपके लिए बहुत अच्छे ऑप्शन ये बन सकते हैं। बट यहाँ पर बैटिंग सेक्शन में अगर दिए तो हम इनको ले लेते, बट यहाँ पर बैटिंग सेक्शन में दिनेश चंदीमल, कुशल मेंडिस ही है, और इसके अलावा मैथ्यूज खेल ही रहे हैं तो उनको मत लीजिएगा। क्रैग ब्रैडवर्ड को आप ले सकते हैं, शाही होप को आप ले सकते हैं, इसके अलावा सिल्वा का भी थोड़ा डाउटफुल चल रहा है, कुशल मेंडिस का परफॉर्मेंस बहुत खराब था पिछले मैच में, और इसके अलावा डेवन स्मिथ को आप चाहें तो ट्राइस कर सकते हैं, बिकॉज यहां पर ब्रैडवर्ड के साथ यहां पर ओपन करते हैं तो ओपनिंग जो प्लेयर करता है वो ग्रैंड लीग में आपके लिए बहुत अच्छी चॉइस बन सकता है, बिकॉज उसके पास एक मौका होता है बहुत ज्यादा रन हिट करने का। तो ग्रैंड लीग में जरूर आप इनको ट्राई करिए, भाई स्मॉल लीग में प्रेफर नहीं करूंगा। स्मॉल लीग में कैरन पॉवेल को प्रेफर करूंगा, जो कि फर्स्ट डाउन टीम के लिए आते हैं और अच्छा खासा परफॉर्मेंस करते हैं बैट से भी बॉल से भी। हालांकि बॉलिंग कर रहे नहीं थी पिछले मैच में, बट यहां पर मेरे हिसाब से कुछ ओवर्स करा सकते हैं अगर जरूरत पड़ती है तो। बात करते हैं ऑलराउंडर सेक्शन में, यहां पर 3 ऑलराउंडर आपके लिए बेस्ट होंगे, जेसन होलर, रंगना हैरथ और ऑस्टन चेज। इसके अलावा अगर आप 4th ऑलराउंडर
अगर देख रहे हैं तो बहुत अच्छे ऑप्शन आपके पास धनंजय डी सिल्वा है जो कि टॉप ऑर्डर बैटिंग भी करते हैं और कुछ ओवर बॉलिंग भी करा लेते हैं, तो आप चाहें तो उनके साथ रिस्क ले सकते हैं। ऐसे में आपको किसी एक प्लेयर को यहां से ड्रॉप करना पड़ेगा। मैं प्रेफर करूंगा रंगना हैरत को ड्रॉप करना, बिकॉज यहां पर जेसन होल्डर के बारे में आप जानते हैं, एक अच्छे बॉलिंग ऑलराउंडर के साथ खेलते हैं, हालांकि बैटिंग भी बहुत जबरदस्त कर लेते हैं और रोस्टन चीज मिडिल ऑर्डर में बैटिंग करते हैं, इसके अलावा बॉलिंग भी कर लेते हैं। तो मेरे हिसाब से आप चाहें तो रंगना हैरत की जगह इनको ले सकते हैं या फिर रोस्टन चीज की जगह, बट होल्डर को यहां पर ड्रॉप मत करिएगा। ये तीन प्लेयर्स को यहां पर मैं ले रहा हूं। बात करते बॉलिंग सेक्शन में, तो बॉलिंग सेक्शन में कैमार रोज को ले रहा हूं, सुरंगा लखमल को ले रहा हूं, लहिरू कुमारा देवेंद्र बिशू को ले रहा हूं। देवेंद्र बिशू यहां पर बैटिंग में भी कंट्रीब्यूट करते हैं और सबसे पहले बैटिंग करने आते सारे ही बॉलर्स में विंडीज के, तो यहां पर आपको एक्स्ट्रा बोनस पॉइंट भी दिलवा सकते हैं। इसके अलावा यहां पर कैमार रोज भी अच्छी खासी बैटिंग कर लेते पिछले मैच आपने देखा था। इसके अलावा यहां पर दिलरुबान परेरा भी रंगना हैरत भी अच्छी बैटिंग कर लेते हैं। दिलरुबान परेरा का फॉर्म थोड़ा खराब चल रहा है, बाकी बॉलिंग बैटिंग तो ये भी अच्छी करते हैं, बट इनकी जगह पे थोड़ा सा डाउट चल रहा है तो मैं इनको यहाँ पर प्रेफर नहीं करूंगा। नेक्स्ट करते हैं, देखते हैं आप लोग बेस्ट कैप्टन वाइस कैप्टन क्या हो सकते हो। कैप्टन यहाँ पर मैं रख रहा हूँ जेसन होल्डर को, वाइस कैप्टन रख रहा हूँ रोस्टन चेस को। आपके पास और ऑप्शन में रंगना हैरत है, इसके अलावा आप धनंजय डी सिल्वा को भी रख सकते हैं जो कि बहुत अच्छे बैट्समैन है। इसके अलावा पिछले मैच के जो हीरो थे कुशाल मेंडिस और शेन डॉरेज, शेन डॉरेज ने तो बहुत अच्छा परफॉर्म किया था, इसके अलावा कुशाल मेंडिस की टीम हार गई थी बट यहाँ पर परफॉर्मेंस इनका भी जबरदस्त था, तो ये भी आपके लिए अच्छे ऑप्शन बन सकते हैं बिकॉज यहाँ पर टॉप ऑर्डर बैटिंग करते हैं और अगर इनकी दो बार भी बैटिंग आती है तो एक बार भी चल जाते तो आपके लिए बहुत अच्छे प्लेयर साबित हो सकते हैं। तो याद रखिए दिनेश चंदनीवल, कुशाल मेंडिस, ये दोनों के दोनों प्लेयर बहुत एक्सपीरियंस है जिसकी वजह से आपने पिछले मैच में देखा था अच्छी खासी फाइट इन्होंने ही दी थी टीम विंडीज की टीम को, और इसके अलावा इनके अलावा और किसी ने इतना अच्छा कोई परफॉर्म नहीं किया था। तो इन दो प्लेयर्स को आप ग्रैंड लीग में जरूर आजमाइएगा, स्मॉल लीग में बोलूंगा सेफ ऑप्शन के साथ जाइए। जेसन होल्डर, रोस्टन चेज और रंगना हैरत, ये कुछ अच्छे ऑप्शन है और सेव करते टीम को एक बार प्रीव्यू आपको दिखा देता हूं। तो स्मॉल लीग के ऑप्शन ये रहे और ग्रैंड लीग में ऑप्शन आपके ये रहे। तो गाइज अब करते हैं वीडियो खत्म, और आपने वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किया तो प्लीज लाइक कर दीजिएगा, चैनल को ध्यान से सब्सक्राइब करके जाइएगा, इस वीडियो को शेयर कर दीजिएगा अपने फ्रेंड के साथ। ओके गाइज बाय।